नमस्ते, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं kingcroft.com यानी आपका अपना चैनल kingcroft fidelity YouTube चैनल। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर। तो क्या है गूगल ड्राइव, हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं अपने रोजमर्रा की लाइफ में, क्या ये पेड होता है या फ्री होता है, अगर जो भी है हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें 2-3-4 टॉपिक हैं, अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर मैं जरूर ढेर सारी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा रिलेटेड गूगल ड्राइव, उस पे बात करते हैं। अगर आपको गूगल ड्राइव पे कुछ एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या फिर पीडीएफ जैसी कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और किसी को सेंड करना है, तो होता क्या है, हमारे साथ समस्या क्या है कि अगर आप किसी को भेजेंगे आप अपने मोबाइल से उस पीडीएफ फाइल को, मान लीजिए वो पीडीएफ फाइल 10 KB की या फिर 10 MB की है और आपको 50 लोगों को सेंड करना है, तो आपका डेटा उसमें रिड्यूस होता है। तो उन चीजों से बचने के लिए कि हमारा डेटा ज्यादा ना खराब हो और हमारा टाइम बच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेंड हो जाए, क्योंकि हमें सेंड करने में और उसे पाने में भी डाउनलोड और अपलोड करने में टाइम वेस्ट होता है और डेटा भी खराब होता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए एक छोटी सी मैं ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक क्या है, देखिए कि आप अपने उस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या फिर पीडीएफ को एक लिंक में क्रिएट कर लीजिए और उस लिंक को किसी को भी सेंड कर दो। अगर आप लिंक को सेंड करोगे तो आपका डेटा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा और सामने वाले को चीजें मिल जाएंगी। जैसे वो टिक करेगा वो डेटा डाउनलोड हो जाएगा, वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी और बहुत ही आसानी से वो लाइफ टाइम हमेशा सेव भी रहेगा। जब तक गूगल है तब तक ड्राइव है, गूगल ड्राइव है तो उस पर आपका डेटा है और आप उसे वर्ल्ड वाइड अपने कहीं भी रहोगे, आप अपने मोबाइल से डायरेक्ट, बस मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, आप एक्सेस कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे और सीखते हैं कि कैसे हम अपने गूगल ड्राइव के ऊपर एक लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूं और आप यहां स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये रही एक पीडीएफ। तो इसका मुझे गूगल पे लिंक बनाना है, गूगल ड्राइव के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, गूगल ड्राइव के ऊपर लिंक बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप चले जाइए अपने गूगल क्रोम पर और देखिए यहाँ पर मैंने अपनी गूगल पे अपनी मेल आईडी को ओपन कर रखा है। राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे डॉट के निशान है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है गूगल ड्राइव कहाँ, तो ये देख सकते हो आप गूगल ड्राइव है। ठीक है, मैंने यहां पर जूम करके दिखाता हूं, ये रहा गूगल ड्राइव, इसके ऊपर मुझे करना है क्लिक और मैं कर देता हूं क्लिक। जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको एक नया टास्क बार ओपन होके आ जाएगा और ये रहा गूगल का एक जबरदस्त फीचर गूगल ड्राइव। कुछ ऐसा इसका सिनेरियो आपको दिखेगा। तो यहां पर देखिए माई ड्राइव के ऊपर जाना है, यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आपके सामने है और यहां पर मोर का ऑप्शन है, तो यहां पर ढेर सारी चीजें आपको दिखा दे रही, फॉर्मेट वगैरह देख सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं, हमें यहां पर अपने उस डॉक्यूमेंट को, वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को या फिर पीडीएफ को, मैं कर रहा हूं पीडीएफ को अपलोड। तो यहां पर आप जाइए और यहां पर मैं जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर आप क्लिक करिए माई ड्राइव के ऊपर। अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो एक फोल्डर बना लीजिए नाम से, उसके अंदर उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट डालते रहो। लेकिन डायरेक्ट मुझे बनाना है तो मैं यहां से अपलोड फाइल पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा तो आपका वो जो आप अपना डेटा कहां रखे हो वो सर्च करने के लिए आ जाएगा। तो ये रहा वो मेरा डेटा, ठीक है, जिसे हम पीडीएफ को अपलोड करेंगे और लिंक को क्रिएट करेंगे। तो यहां से इसको कर लीजिए सिलेक्ट और यहां पर देखिए ऑप्शन है ओपन का, मुझे करना है ओपन। जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिए यहां पर अपलोड होना शुरू हो गया है। ठीक है, और ये अपलोड हो भी गया। अब नीचे देखिए, ये रहा मेरा कुछ एसबीआई का कुछ डॉक्यूमेंट है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि इसे अपलोड करना है। तो जैसे ही अपलोड हो गया आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। खास बात क्या है कि इसका लिंक क्रिएट करने के लिए आपको लिंक की जो
कह सकते हैं सर्विस है, उसे इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर देखिए ये लिंक का जो आइकन होता है, देखिए इसके ऊपर आपको जाना है और क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिंक शेयरिंग आएगा और राइट हैंड साइड से यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ये ऑफ है तो क्रिएट नहीं होगा, और यहां पर ऑन कर देंगे तो ये देखिए क्रिएट हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा लिंक, पूरा का पूरा लिंक। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे हमें कर लेना है कॉपी। मैंने यहां पर सेलेक्ट किया और पूरे लिंक को मैंने कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी या फिर राइट क्लिक करिए, और यहां से आप कर सकते हो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली कंट्रोल सी कर लीजिए। मैं यहां पर इनकॉग्निटो के ऊपर क्लिक करता हूं, दूसरा टैब गूगल क्रोम का ओपन कर लेता हूं, यूआरएल पे जाते हैं। यहां पर देखिए ये रहा यूआरएल, और यहां पर मैं कर देता हूं उस लिंक को पेस्ट। तो मैं पूरा का पूरा लिंक आपको दिखाता हूं, ये रहा पूरा का पूरा लिंक। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने इंटर की बटन को प्रेस कर देना है। इंटर की बटन को प्रेस करेंगे तो ये कुछ ऐसे फाइल जो आपने लिंक क्रिएट किया है, वो जिसको भी आप इस लिंक को, ये वाला जो लिंक है, इस लिंक को जिसे भी आप फॉरवर्ड करोगे तो कुछ ऐसा सीनेरियो आपके सामने आ जाएगा। तो सामने वाला जो बंदा है, अगर यहां पर जाकर राइट हैंड साइड पर आप देखें, यहां पर जाकर डाउनलोड करना चाहेगा, क्लिक कर दिया मैंने डाउनलोड के ऊपर, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहां पर देखिए वही पीडीएफ डाउनलोड होके आ गया है। आप बना के सिर्फ इस लिंक को अपने व्हाट्सएप पे, कट कर लेता हूं, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने मोबाइल पे, या फिर कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे शेयर करेंगे तो उसे बहुत ही आसानी से आपका ये डॉक्यूमेंट जो शेयर किया हुआ है दुनिया के किसी भी कोने में डाउनलोड करके उसे एक्सेस कर सकता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसे मुझे आपके साथ शेयर करना है करना था, और आप अच्छे से इस वीडियो को यूज करो, इस यूटिलिटी को यूज करो। अब आगे मैं आपको बता देता हूं कि अब इसी प्रक्रिया को, इसी यूटिलिटी को मोबाइल में हम कैसे करें, तो वो आगे आपको सत्येंद्र सर तो बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको अपना टेस्ट देने के बाद अपना जो आपका पेपर है वो पेपर आपकी उसकी फ़ोटो खींचोगे। पीडीएफ बनाना मैंने आपको वीडियो में सिखाया था कैसे पीडीएफ बनाना। ये कैम स्कैनर ऐप मैंने ओपन कर रखी है, देखो मैं बैक कर देता हूँ, आप एक बार देखें, ये मेरी कैम स्कैनर ऐप है। मैं कैम स्कैनर ऐप पर गया और ये मान लो ये पहला वाला जो है यही मेरी वो पीडीएफ थी। मान लिया कि ये मेरी वो पीडीएफ है जो आपने आंसर में बनाई है, आपकी आंसर वाली पीडीएफ समझ लो। तो आप एक एक करके सिलेक्ट करोगे तो टाइम लगेगा। ऊपर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, सीधा सिलेक्ट ऑल कर दिया, ठीक है सिलेक्ट हो गया। अब देखो आपके सामने नीचे चार ऑप्शन है, ध्यान से देखो, चार ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे। एक तो है यहाँ पे शेयर का, दूसरा है यहाँ पे सेव टू गैलरी, फिर यहाँ पे है मोर, और फिर है डिलीट, और फिर है यहाँ पे मोर का। तो हमें क्या करना है, हमें शेयर करना है, तो मैंने शेयर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही शेयर पे क्लिक करा तो अपने सामने दो ऑप्शन आए। दो ऑप्शन कौन से आए अब देखें एक बार, एक तो पीडीएफ में भेजना है और एक जेपीजी इमेज में भेजना है। तो हमको कौन सा सिलेक्ट करना है, पहला वाला पीडीएफ। तो मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने पीडीएफ पे क्लिक कर दिया, अब ये तीन ऑप्शन आ गए, ओरिजिनल साइज, मीडियम, स्मॉल। ओरिजिनल पे जाओ, अब यहाँ पे देखो कितने सारे आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं। सबसे पहले नंबर पे ये आ रहा है सेव टू ड्राइव, दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप, और फिर ये शेयर इट वगैरह, इतने सारे ऑप्शन है। हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें केवल एक ऑप्शन ढूंढना है अपने शेयर करते वक्त, और वो ऑप्शन होगा हमारा सेव टू ड्राइव। आपको ये ऑप्शन अपने मोबाइल में ढूंढ लेना है बस। अब हमने क्या करा, इस पे सेव टू ड्राइव पे क्लिक कर दिया। जैसे ही सेव टू ड्राइव पे गए ये आ गया हमारा, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, माई ड्राइव आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी पीडीएफ का नाम भी दे सकते हो, जैसे मान लो ये इसका क्या नाम दूँ, मैं इसका नाम देना चाह रहा हूँ ज्योग्राफी टेस्ट, तो मैंने लिख दिया ज्योग्राफी टेस्ट डॉट पीडीएफ, बस खत्म। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने देखो कोने में नीचे दिख रहे होंगे आपको, सेव और शेयर का। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेव पे जाओ, नीचे सबसे नीचे सेव, सेव पे क्लिक कर दिया, यानी कि अब वो सेव हो रहा है। अब कहाँ पे दिखेगा आपको, आपको ये यहाँ पे दिखेगा, ये देखो पहले से इतनी सारी नोटिफिकेशन खुली हुई है मेरी, इसलिए आपको शायद ना दिखे, ये हो रहा है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है, ड्राइव अपलोडिंग वन फाइल, ठीक है धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ, आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। यस, अब यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है ज्योग्राफी होने वाला है ये। यस हो गया,
2140 यानी ज्योग्राफी टेस्ट जो है 2140 यानी 9:40 पे हो गया। आपके सामने मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर ना दिख रहा हो यहाँ पे अच्छे से, तो ये वाला जो है ज्योग्राफी टेस्ट ये हमारा है। अब हमने क्या करना है, इसका लिंक शेयर करना है। तो यहाँ पे जाओ कोने पे, जो तीन ऑप्शन है, ठीक है, मैं वापस देखता हूँ आपको, तीन बिंदु दिख रहे हैं कोने में, कहाँ पे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं तीन बिंदु, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने नाम आ गया सबसे ऊपर, ज्योग्राफी PDF टेस्ट जो आपने दिया था। अब आपको यहाँ पे देखो एक चीज़ को इनेबल करना पड़ेगा, अगर आपने इसको इनेबल नहीं करा तो वो ओपन ही नहीं होगा, किसी से परमिशन मांगेगा। आपके सामने एक ऑप्शन है लिंक शेयरिंग, तो लिंक शेयरिंग के सामने देखो ये क्या है, ये डिसेबल हो रखा है, आपको इसे इनेबल करना है। कैसे, इसको ऐसे इनेबल कर दो, क्लिक कर दो, अब ये हो गया इनेबल, ये वापस आ गया। दोबारा जाते हैं एक बार, यहाँ पे लिंक शेयर हमारा इनेबल है। अब हमें क्या करना है, इसको देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये वाला ऑप्शन है सेंड ए कॉपी, सेंड ए कॉपी नहीं करना, आपको लिंक इनेबल करके कॉपी लिंक करना है। कौन सा करना है, कॉपी लिंक, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे गए कॉपी लिंक पे, गए लिंक, देखो लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया, यानी लिंक कॉपी हो गया है। अब हमें क्या करना है, अपनी वीडियो में जाना है, जैसे मान लो यूट्यूब पे गए, टेस्ट वाली वीडियो थी, मान लो कि ये वाली टेस्ट वाली वीडियो है, ये जो बोर्ड ये ऐड आ गई, एक बार ऐड हो जाने दो, ठीक है। तो ये मान लो कि हमारी वो वाली वीडियो है, अभी मैंने अपलोड नहीं की है, तो आपको यहाँ पे जाके क्या करना है, कमेंट में जाना है, यहाँ पे कॉपी वो अपने आप ही हो रखा है, यहाँ पे क्लिक करके रखना, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, देखो पेस्ट हो गया, googledrive.com फाइल ये वो जो भी है। अब मेरे को इसे शेयर कर देना है, जैसे ही मैंने इसे शेयर करा ये लिंक हो गया, ठीक है। मैंने आपको अपने ही चैनल पे करके दिखाया, बट आपको ये हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल डेमो था, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, धन्यवाद, जय हिंद, और आप अपना टेस्ट अच्छे से करो, बेस्ट ऑफ लक, उसके बाद देख लेंगे हम कि कैसा होता है।